जाने कितने इसके हैं आग में जलता रहा हूँ मैं ही सदा है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा जान कर अब रहूंगा मैं खुद का मच्छीमार का काम था गांव में तो तुम उसे छोड़ के बंबई क्यों चले आए जी वो आ गए आमदनी कम थी मेम साहब हम सोच रहे हैं ये काम हम छोड़ दें क्यों बहुत पैसा बना लिया क्या नहीं ये बात नहीं है उनका है कि हमका डर लागत है रुपया कमाने के और भी कई रास्ते हैं ओके वास्ते गंदा काम करने की कोनो जरूरत नहीं है हमारी बात मानो पढ़ाई लिखाई सीख लो तुम रुपया जरूर कमाओगे तुम शायद ठीक कह रहे हो अब मैं जरूर पढ़ूंगा सच कह रहा है हाँ, अब मैं जरूर पढ़ूंगा बंबई में लोगों को काम नहीं मिलता काम मिलता है तो रहने को मकान नहीं मिलता तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं और उसे तुम ठोकर मार के गांव जाना चाहते हो काहे के लिए मच्छी मारी करने के लिए उसे जाने दीजिए मिस्त्री साहब चल लो जी मिस्त्री साहब इसे मत रोकिए इसी में इसकी भलाई है अच्छा अब हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे तुम हमारे साथ गाँव चल रही हो तो चल रही हो बस मगर भैया अगर मगर कुछ नहीं भैया डर लगे है डर काहे का डर हम है ना पता नहीं प्रकाशो बहन हमें देखकर क्या सोचेगी दीदी प्रकाशो बहन कुछ नहीं सोचेंगी हम हैं तुम चिंता मत करो हम अभी उन्हें देख के आते हैं दीदी प्रकाशो दीदी नमस्ते कौन दीदी हम शरद शरद हाँ तुम हाँ अरे कहाँ थे इतने दिन दीदी वो हम आपको बाद में बताएंगे फिलहाल आप चलिए कहाँ चलिए ना अरे लेकिन आओ आओ ये देखिए ये कौन है शरद प्रकाशा दीदी पहचाना नहीं आपने अरे गीता अरे क्या हुआ रो क्यों रही है ये शरद गीता तुम दोनों एक साथ मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कहाँ से आ रहे हो तुम लोग दीदी वो बड़ी लंबी कहानी है वो हम आपको बाद में बताएंगे फिलहाल हम घर नहीं जा सकते हमें आपकी मदद की जरूरत है अच्छा हाँ अंदर आओ बताओ क्या बात है अच्छा चलो दीदी तो ये बात है शरद मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इंसान का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी होता है हमारी मति मारी गई थी दीदी जो हम आपकी बात समझ न सके चलो कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए अब नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ आप ही पर तो हम आस लगाए बैठे हैं दीदी हम घर जाना चाहते हैं अगर गीता दीदी क्या बात है गीता दीदी आप तो हमारी कहानी सुन चुके हो किस मुंह से घर जाए चिंता मत करो गीता मैं बात करूंगी मवार भैया से नहीं नहीं दीदी पप्पा का गुस्सा तो आपको पता है हमारी वजह से आपको भी अनाप शनाप बोल देंगे
अब और कोई रास्ता भी तो नहीं, उनको सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना। दासु दीदी, अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। हम घर जाना चाहते हैं, अगर गीता दीदी आपके पास। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। क्यों गीता, रहोगी मेरे साथ? ये हुई ना बात, गीता दीदी हम घर जा रहे हैं फिर आते हैं। शरद, पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या सोचा है? दीदी हम पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, और गीता दीदी भी पढ़ेंगी। जो गलती हम किए हैं वही के लिए तो गांव लौट कर आए हैं। शुक्र है। रकासो दीदी, गलतियां सुधारने के लिए बहुत देर हो चुकी है ना? अरे नहीं गीता, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत में कभी देरी नहीं होती, बल्कि वहीं से एक नए जिंदगी की शुरुआत होती है। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारा अतीत है, मगर आज आज है। परछाइयों से दूर रहकर ही तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। जिस तरह अंधेरे को दूर रखकर आसमान में सूरज निकल आता है, उसी तरह साक्षरता तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाएगी। ठीक है, नमस्ते दीदी। पप्पा, अरे शरद, शरद पिटवा, अरे सुत्ती हो, देखो कौन आएगा वहां। अम्मा, शरद, अम्मा, शरद, तुमका माफ कर दो अम्मा। शरद मेरे लाल, देख तेरे बिना हमारी क्या हालत हो गई, काहे हमें छोड़कर चला गया रे, काहे छोड़कर चला गया। अरे बिटवा जब आ गए अब काहे रो रहे हैं? अरे पापा से गले नहीं मिलेगा बेटा। पापा ये कहा आपकी तबीयत खराब है ना? अरे हमारी ताकत में तू रहा बिटवा, और तू ही हमको छोड़ के चला गया तो हमारी तबीयत खराब नहीं होगी तो और कहा होगा। पप्पा अब हम आ गए हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम ही यहाँ रहेंगे गांव में आप ही के पास में। सुन बेटा। हाँ। लेकिन बेटा इतने दिन तो कहाँ था रे? अम्मा हम बंबई गए थे, वहाँ गैराज में काम करते थे, 500 रुपया महीना मिलता था। 500 रुपया? इतनी बड़ी रकम? हाँ पप्पा, हम काम भी तो उतना ही बड़ा किया है। अच्छा। हाँ ये देखो, हम तो रली काका लाए आपके लिए कमीज, अम्मा आपके लिए साड़ी। हाँ। अरे पर बिटवा इतना सब खर्चा करने का जरूरत नहीं है? पर अब थोड़ा बिटवा बड़ा हो गया है, हम बम्बई में बहुत पैसा कमाए हैं। शरद बेटा तुम घर तो वापस आ गए, मगर यहाँ कोई गराज वराज तो है नहीं, तू नौकरी कहाँ करेगा? कैसी बात करती हो अम्मा, अगर हमको नौकरी करनी होती तो हम बम्बई छोड़कर यहाँ क्यों आते, वहाँ 500 रुपया महीना ना कमाते। अम्मा इतने दिन तो से दूर रहने के कारण हमको पता चल गया है माँ कहाँ होती है बाप कहाँ होता, अब हम तो घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ तोरे पास रहेंगे, रोकी सोकी खाएंगे, बप्पू के काम में हाथ बटाएंगे और मछली पकड़ेंगे। अम्मा सच कह रहा बेटा? हाँ पप्पा, अब देखना तुम आराम करना, हम काम करेंगे। अम्मा हम आ गए, जीते रहो जीते रहो। लो शरद। बस बेटा बस, चाय पी ले। हमरे बिटवा की तरह चंदू भी गांव वापस आ जाता तो विकास भैया को बहुत मदद मिल जाती। नहीं पप्पा नहीं, वो यहीं आकर का करेगा, वो तो पढ़ा लिखा है,
ऊका लिए तो शहर में अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हमारी बात और है, हम पढ़े लिखे नहीं है ना, एका करे तो वापस चले आए। अरे कोनो बात नहीं बेटा, अच्छा किए वापस चले आए। लेकिन पप्पा अब हम भी पढ़ेंगे। हाँ का कहे तो तू पढ़ेगा? अरे जब पढ़ने लिखने की उम्र थी तो स्कूल से भाग के चला आता था, अब ये उम्र में पढ़ेगा तू? पप्पा पढ़ाई लिखाई की कोनो उम्र नहीं होती। ये कौन गधा तुमको बुलाया था? लेकिन शरद बिटुआ तुम तो कह रहे थे तुम मछली मारी का काम करोगे। अम्मा वो तो हम करेंगे ही, तुम्हें पढ़ाई लिखाई का जरूरत है? पप्पा जरूरत है, पढ़ाई लिखाई से आदमी को अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। लो सुन लो, अब मछली मारे में अच्छे बुरे का ज्ञान का क्या जरूरत है? है पप्पा है। देखो बिटुआ, तुम गांव वापस आ गए हमका बड़ी खुशी, तुम हमारे साथ काम में हाथ बटाओगे हमको और भी खुशी होगी। लेकिन ये पढ़ाई लिखाई के चक्कर में जिन पढ़ोगे ना तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे। बिटुआ हम लोग गरीब आदमी हैं, मेहनत मजूरी करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। पप्पा हम मेहनत करने से कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि दिन भर मछली पकड़ेंगे रात में पढ़ाई करेंगे हम। लो क्या बातें हो रही है, आओ प्रकाश बहन। लो पढ़ाई लिखाई की बात हुई और मास्टरनी जी आ गए। देखिए ना प्रकाशो दीदी, हम पप्पा से कह रहे थे कि हम भी पढ़ेंगे पर पप्पा मना कर रहे हैं। क्यों? अगर शरद पढ़ाई करना चाहता है तो इसमें हर्जी क्या है? धनिया तुम्हें पढ़ाई से ऐतराज क्यों है? वो क्या है प्रकाशु बहन की वो? पप्पा हमने कह दिया ना कि हम दिन भर मछली मारेंगे रात को पढ़ाई करेंगे। अरे अगर शरद पढ़ना चाहता है तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें शरद की पढ़ाई से ऐतराज क्यों है? नहीं प्रकाशु बहन, देखो बिटुआ अगर हमारे काम में कोनो हरज नहीं हो तो तोरे पढ़ाई से हमको कोनो फर्क ना पड़े। सच पप्पा? हाँ। दीदी हम कल ही से आपके पास पढ़ने के लिए आ जाएं। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, हम आज ही से तुम्हारी पढ़ाई शुरू करेंगे। क्यों? ठीक है। जाने कितने इसके हैं जादू, एक पल दूर समझना इसको नहीं आसान, कभी आंसू कभी मुस्कान। नफरतों की आग में जलता रहा सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं, जान कर अब रहूंगा मैं, जिंदगी के मायने तोड़ डालूंगा सभी मैं, बीत कल के आईने कभी आंसू कभी मुस्कान। लुट गए जी हम लुट गए बीच बाजार में, वो था बाबू दिल्ली वाला। शरद! अरे चंद्रू तू! अच्छा ही बता बंबई से कब लौटा? आज ही आए, अम्मा पप्पा से मिलकर सीधे तुम्हारे पास चले आ रहे। अच्छा? अरे शरद पप्पा हाँ। बता रहे थे कि मछली मारी के साथ साथ तू पढ़ाई लिखाई भी करने लगा है। हाँ भाई करने लगे। अरे यार ये तो बड़ी खुशी की बात है यार। पर चंद्रू ये सब तोरे कारण हुआ है, पता है अगर तुम वक्त पर हमारी आंख न खोलते तो आज हम न जाने का के का कर जाते। अच्छा ये बता मिस्टर जी कैसे हैं और वो पकिया मुन्ना? अरे सब ठीक है, सब तुम्हारी बहुत याद करते हैं। और पता है शरद मैंने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली है। अरे भाई तो बड़ी खुशी की बात है भाई। हाँ और अब एक छोटी सी दुकान भी शुरू करने जा रहा हूँ। दुकान? हाँ पर उसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा। अरे उनका बंदोबस्त हमने कर लिया भाई। देख हमारा कुछ पैसा मिस्त्री जी के पास जमा था और कुछ पैसा हमने बैंक से कर्जा ले लिया है। पता है शरद आजकल सरकार नया कारोबार शुरू करने के लिए कर्जा देती है, वो भी बहुत कम ब्याज पर। अच्छा? हाँ
अरे चंद्रू बिटवा, अरे धनिया का था पाय लागू। खुश रहा। शहर से कब लौटा रे? आज ही आया हूँ। ये बहुत अच्छा किया बिटवा जो गांव लौट के आ गया। अरे सरदवा भी गांव आ गया है और हमारे काम में हाथ बटा रहा है। तू भी विकास भैया के काम में हाथ बटा, बहुत मदद मिलेगी। अरे नहीं नहीं काका, हम तो वापस जाने वाले हैं। कब बम्बई वापस चले जाओगे? बप्पा अब चंद्रू शहर में दुकान डालने वाला है। अरे पर उकरे लिए तो बहुत पैसा चाहिए ना। हाँ काका, पर हमको बैंक से कर्जा मिलने वाला है। बैंक से कर्जा? हाँ, अरे शरद तू भी बैंक से कर्जा क्यों नहीं लेता? कब तक भाड़े के नाम में मच्छी मारी करता रहेगा? का हमको भी कर्जा मिल सकता हाँ, है? क्यों नहीं मिलेगा, अब तो तू पढ़ने लिखने भी लगा है। देखो बेटा, ये कर्जा और जाकर चक्कर बहुत गड़बड़ है। हाँ, इनमें बहुत झमेला है। अरे नहीं काका, कोई झमेला नहीं है। एक बार सोचो, जब तुम्हारी खुद की ना हो जाएगी तो किराया बचेगा ना, वो किराया से तुम बैंक का कर्जा पटा देना, 4-6 महीने में नाव के मालिक हो जाओगे और घर में पैसा ही पैसा आ जाएगा। ये बात तो है। पापा, चंद्रू ठीक ही कह रहा है। अगर एक बार कर्जा अदा हो गया, उसके बाद नाव भी अपनी और उससे आने वाला पैसा भी। हाँ बिल्कुल ठीक। चलो आज हम तुम्हारा फार्म भरा देते हैं, 1-2 महीना में तुमको कर्जा मिल जाएगा। पापा क्या कहते हो? हाँ बेटा, तुम लोग जवान हो गए हो, हैं? समझदार हो गए हो और पढ़ लिख भी लिए हो, हैं? जौने तुम लोग करोगे वो ठीक ही होगा। ठीक है पापा, चल सर आ जा। अरे वाह गीता, तुम तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना लिखना सीख गई हो। जी दीदी। चलो अच्छा हुआ, अब तुम अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बन गई हो। हाँ दीदी, मगर हमारी बात एक बात समझ में नहीं आती कि हम पढ़ना लिखना तो सीख गए, मगर हमें काम कौन देगा, नौकरी कौन देगा? मैं दूंगी। आप? वो कैसे? जब मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया था तभी तुम्हारे बारे में सोच रखा था। कहाँ सोचा था? यही कि तुम मास्टरनी बनोगी। मास्टरनी? और हम? हटिए, आप मजाक कर रहे हैं। अरे नहीं गीता, मैं सच कह रही हूं। मैंने सोच लिया है कि तुम मास्टरनी बनोगी मेरी तरह। लेकिन हम तो अभी अभी पढ़ना लिखना सीखे हैं, हम कैसे दूसरों को पढ़ाएंगे? अरे क्यों नहीं, और तुम्हें कहा मोटी मोटी किताबें पढ़ानी है। तो फिर गीता, तुम तो जानती हो हमारा गांव किस हद तक पढ़ा लिखा है। आजकल बच्चे तो आने लगे पाठशाला में, पर उनके माता पिता वो अब भी अनपढ़ है। बस अगर वो अपना नाम पता पढ़ना लिखना सीख जाए, कुछ जरूरी कागजात पढ़ना सीख जाए, तो ये भी उनके लिए काफी है। तुम्हें उन्हें पढ़ाना है उनके खाली समय में। नहीं, ये हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने कहा ना तुम कर पाओगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन दीदी हम... और तो और, तुम्हें इस काम के लिए मैं पगार भी दिलवाऊंगी। सच प्रकाशो दीदी? बिल्कुल सच। प्रकाशो दीदी, आपने तो हमें जीवन दान दिया है। अरे नहीं नहीं गीता, तुम्हें जीवन दान जरूर मिला है, लेकिन मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे साक्षर होने की वजह से। पढ़ाओगी ना? चलो अब खुद पढ़ो। गीता दीदी। हाँ? देखो तो कौन आया। पहचाना नहीं? चंद्रू। बिल्कुल ठीक पहचाना, हम वही चंद्रू हैं। अरे खड़े क्यों हो, बैठो ना। बैठ। कहो शहर से कब आए? बस हफ्ता भर पहले। अच्छा बताओ गीता दीदी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हम भी ठीक हैं। अच्छा हुआ चंद्रू तुम आ गए, हम तुमका धन्यवाद देना चाहते थे। धन्यवाद? हाँ, तुमने हमारे लिए जो किया है वो सगे भी नहीं करते। तुम्हारी वजह से शरद की और उके साथ हमारी भी जिंदगी बदल गई है, वरना तो हम बस। गीता दीदी बस, उनका शरद ने सब कुछ बता दिया है।
मगर अच्छा ही हुआ अब तुम पढ़ना लिखना तो सीख गए। हाँ तुम्हारी वजह से हम जान गए कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी होता है। पता है शरद भैया प्रकाशो दीदी हमका मास्टरनी बनाने वाली है। का? हाँ हम गांव के बड़े बूढ़ों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे और वो काम के लिए हमका पगार भी मिलेगा। अरे वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है। गीता दीदी तब आपको किसी से मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं है बस। हाँ गीता दीदी हम तुम्हें ले जाने आए हैं। हाँ नहीं भैया हम वो घर में जाके गंदा नहीं करना चाहते हमारे जैसी औरत। नहीं गीता दीदी नहीं तुम्हारे जाने से घर गंदा नहीं होगा। अरे इंसान कोई बुरा नहीं होता अगर तुम्हारी आत्मा साफ है तो तुमका शर्म करने की कौन जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ किया वो सब खुशी से थोड़ी ना किया वो तो तुम्हारे अनपढ़ होने का नतीजा था। मगर अब तो तुम पढ़ना लिखना सीख गई हो अच्छे भले बुरे में भेद करना सीख गई हो। लेकिन अम्मा पप्पा हमारा स्वीकार करेंगे? कहे नहीं स्वीकार करेंगे और फिर हम उनका ये थोड़ी ना बताने वाले हैं कि हम तुमका कहां से लाए हैं। नहीं शरद भैया हम झूठ नहीं बोलेंगे। गीता दीदी शरद गीता दीदी ठीक है अरे एक झूठ छिपाने के खातिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। भलाई इसी में है कि अम्मा पप्पा को सच्ची बात बताई जाए कि गीता दीदी पहले कहा थी अब कहा है उनका भी तो पता चले जिससे साक्षरता कितनी जरूरी है इसका ज्ञान हो सके। मगर चंद्रु नहीं शरद भैया हम इस बारे में प्रकाशो दीदी से भी बात करेंगे वो जो कहेंगी वही करेंगे उनका पता है हमारी भलाई किसमें है। ठीक है हम प्रकाशो दीदी से बात करेंगे लेकिन अगर वो जाने के लिए कहेंगी तब तो तुम चलोगी ना। हाँ फिर काहे नहीं चलेंगे। हाँ तब ठीक तुम लोग बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ दीदी चंद्रू तुम तो हमारे लिए भगवान हो। क्या बोल रहे हो शरद अरे भगवान तो हर इंसान के दिल में होते हैं। असल बात तो यह है कि तुमने आज पहचाना है। चंद्रू शरद तुम्हारे भगवान तुम्हारे दिल में है। हाँ इतना नाराज हो रहे हो अब तो दीदी घर आ गई है ना। देखो बेटवा हमको उसकी कोई जरूरत नहीं है हम लोग कोई मरे नहीं जा रहे हैं उसके बिना। पप्पा देखो बेटा इस मामले में तू ना ही बोल तो अच्छा है। कहे नहीं बोले का वो हमारी बहन नहीं है। अरे बहन थी जौने दिन वो घर छोड़ के भाग गई ना वही दिन से हमारे लिए मर गई। पप्पा गलती इंसान से ही तो होती है। बेटवा हमने कह दिया ना कि वो हमारे साथ घर में नहीं रहेगी मतलब नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी शरद सुनो जी गुस्सा थूक दो बिटिया वापस आ गई है तो गांव में ढिंढोरा पीटे हैं गांव वालों को बताया कि हमने भागी वही बिटिया घर वापस आ गई है गांव में मिठाई बांटे। बप्पा चुप रहो जाने दो शरद भैया हमने कहा था ना हमारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है हम जहां से आए थे वहीं ठीक थे। कहां से आई हो बिटिया? नरक से। नरक से निकलो 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 रुको ये तुम क्या कर रहे हो? देखो मास्टर निभा हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं तुम इस मामले में बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। धनिया ये मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है गीता तुम्हारी बेटी है और इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम हो। मुंह संभाल के बात करो मास्टर ने तो हम ही का कोठे में बिठा के आए रहे। वो बात नहीं है धनिया इसकी जो हालत है आज उसका कारण है ना समझी। समझदारी तभी आती है जब इंसान पढ़ा लिखा होता है
लेकिन तुमने तो अपने बच्चों को कभी पढ़ाया लिखाया नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोठे पे जाके बैठ जाए। तो क्या ये अपनी मर्जी से गई थी? जरा सोचो धनिया, अगर गीता पढ़ी लिखी होती, अगर तुम खुद पढ़े लिखे होते तो क्या आज ये दिन देखने को मिलता? क्या ये गोपाल के साथ घर से भागती? क्या गोपाल उसे कोठे पर बिठाता? लेकिन अब गीता पढ़ रही है, अब अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझ सकती है। धनिया, गलती इंसान से ही होती है और इंसान को अपनी गलती सुधारने का मौका तो मिलना चाहिए ना। देखो मास्टर ने, हमका मत समझाओ कि किसको मौका देना चाहिए और किसको ना है। बप्पा, अगर गीता दीदी कसूरवार हैं तो आप भी हैं। रज्जू दीदी की जान किसने बर्बाद की है? आपने। किसने बेचा था रज्जू दीदी को? आपने। रज्जू दीदी की बर्बादी के कारण सिर्फ आप हैं। अगर उस बुढ़े रामदीन के साथ रज्जू दीदी की शादी ना की होती ना, तो आज रज्जू दीदी जिंदा होती। शरद, शरद ठीक कह रहा है धनिया। गीता बदल चुकी है, जहालत के दलदल से निकल चुकी है, इसे स्वीकार कर लो। मान भी जाइए ना। मान जा, का मान जा। अरे गांव वाले, जात बिरादरी वाली पूछेंगे कि तुम्हारी बिटिया इतने दिन कहां गई थी, तो क्या जवाब देंगे हम? उन्हें कुछ भी पूछने का हक नहीं है धनिया, और तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गीता का अतीत उसका अपना है और उसका अतीत दुनिया से छुपाया जा सकता है। अब अगर मगर कुछ नहीं पप्पा, गीता दीदी हमारे साथ रहेंगी बस। न जाने कितने इसके हैं रूप, एक पल जादू एक पल धूप, समझना इसको नहीं आसान, कभी आंसू कभी आग में जलता रहा हूँ मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं।